अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम का इंतखाब, टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन, टीम के रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेस्पी, कप्तान शान मसूद और बाबर आजम, जो फिलहाल ओडीआई के कप्तान नहीं है, लेकिन कप्तान अगर बाबर आजम बनते तो जाहिर सी बात है बाबर आजम से फिर भी डिस्कशन जो है वो बाबर के साथ की जाएगी। और मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल इमाद वसीम, ये तीनों आपको ओडीआई स्क्वाड के अंदर नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो बंदे हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जब पाकिस्तान की कैंपेन का आगाज होगा और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की कैंपेन का आगाज ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ही होगा। और पाकिस्तान ने भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ बाहर, सॉरी जिम्बाब्वे के साथ बाहर खेलनी है, इस तरह अफ्रीका में जाकर खेलना, तो 9 ओडीआई मैचेस बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अवे खेलने हैं। यह वैसे बड़ी फिक्र वाली बात है, पाकिस्तान को अवे, जी हां, मुल्क से बाहर जाकर 9 ओडीआई मैचेस खेलने, 9 ओडीआई मैचेस पाकिस्तान अपनी कंट्री से बाहर खेलेगा। उसके बाद 2 मैचेस आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज के खेलने हैं, वो पाकिस्तान में खेलने हैं। और अगर फाइनल में जाते हैं आपने तीसरा मैच भी वहां पर खेलना आपको पड़ सकता है, तो आप 3 मैच मोस्ट लाइकली आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेलेंगे, वो भी पाक सरजमीन पर, वरना इससे इसके अलावा आपको मैचेस यहां पर ओडीआई नहीं मिल रहे हैं। जो मैंने कंपेन की बात की है भाई, शान मसूद टेस्ट के कैप्टन है और बाबर आजम फिलहाल व्हाइट बॉल के कैप्टन है, गैरी क्रिस्टन टेस्ट और जो स्पेशली गैरी क्रिस्टन है वो T20 और ओडीआई के हेड कोच है, और जैसन गिलेस्पी जो वो रेड बॉल के हेड कोच यानी कि टेस्ट के वो हेड कोच हैं। इसके अलावा और भी जितने मेंबर सिलेक्शन कमेटी के हैं, मोहम्मद यूसुफ हो गया, असद शफीक हो गए, ये भी यानी कि सिलेक्शन करेंगे टीम की। तो बरा जनाब, ये अब क्लियर हो गया कि ये सारे सब यानी कि सब मिलकर टीम की सिलेक्शन करेंगे। मोहम्मद आमिर, हारिस सुहेल, इमाद वसीम का जो सवाल है, आमिर की डिमांड जो एक्सेप्ट की जा रही है, पूरी की जा रही है कि आमिर पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, और हारिस सुहेल फिट होता है तो आंख बंद करके पाकिस्तान इसको स्क्वाड के अंदर शामिल करने लगा है। इमाद वसीम की वापसी होगी टीम के अंदर, ये भी आपको क्लियर है। तो यानी कि पाकिस्तान एक बैलेंस स्क्वाड जो बनाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, लेकिन सिलेक्शन जो होगी वो आफ्टर द साउथ अफ्रीका सीरीज ही होगी। जो ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड होगा वही स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, और ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो बरा जनाब, स्पेशली ये नहीं है कि रेड बॉल का कोच है तो वो सिलेक्ट नहीं कर सकता, व्हाइट बॉल वाला जो कोच है वो रेड बॉल की टीम सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो सारे मतलब कोचेस के और कप्तानों के जो मशवरे हैं वो मतलब मिला के टीम की सिलेक्शन की जाएगी। अपडेट्स अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।